आपको एक बात बताऊं, मेरे मिस्टर जी ने मेरा पर्स डाला है उल्टा, देख सकते हो आप, ये देखिए, मैंने भी नहीं देखा, मैंने अभी देखा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लता व्लॉग उत्तराखंडी में। लता विस्ट आज एक नए व्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 10 बज चुके हैं सुबह के और मैंने पूरा काम समाप्त कर लिया है। और मेरे सास ससुर गए हैं, कल चले गए थे मेरे सास ससुर दीदी लोगों के ससुराल, दीदी लोगों के घर, और तो मैं अकेली हूँ घर पे। और मिस्टर जी हमेशा जाते हैं जाकुलिसी माँ, क्योंकि वहाँ पे उन समिति में कुछ काम है उनका, तो वो जा रही है वहाँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको आज मैं क्या करने वाली हूँ। और मैं आज अपने शादी के जेवर और गोल्डन जेवर, और मैं आज अपनी शादी का लहंगा पहनूँगी। तो मैं शादी का लहंगा इसी में रखा है मैंने, तो मैं इसमें निकाल लेती हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है मैं शादी का लहंगा, तो देखिए रखा है। मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, तो देखिए इसमें सासु जी के कपड़े रखे हैं मैंने, तो इसीलिए सासु जी के कपड़े नीचे रखे हैं। ये है चुन्नी, ये दो चुन्नियाँ हैं देख सकते हो आप। मैंने और रेड के साथ में मुझे ये वाली चुन्नी मिली थी, लेकिन मैंने शादी के दिन ये वाली चुन्नी नहीं पहन रखी थी। ये ऐसी मारी थी मैं, और मैंने इसके साथ गोल्डन चुन्नी पहन रखी थी, जो मेरी फ्रेंड ने उनका था, उसकी शादी भी मैं शादी के दो दिन बाद ही चुन्नी। तो ये देखिए ये लहंगा, बहुत भारी है लहंगा देख सकते हो। तो मैं पहन के दिखाती हूँ आपको, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, पहन लिया है मैंने लहंगा, और जो जेवर मैंने साथ में पहने थे, तो मैं वो जेवर पहनती हूँ, उसने ला रखे मैंने बाहर में, तो मैं दिखाती हूँ, पहले पूरा दिखा लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा लहंगा, फ़ोन में चार्ज नहीं है तो चार्जर के लिए कहीं मैं बाहर पे, मैं यहीं पर लगाती हूँ चार्जर को। तो मैं दिखाती हूँ अपने जेवरों को, जेवर तो बहुत है मेरे पास साथ, तो मैंने वही जेवर लेके आई। मैं मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा पहनना, तो मैं वही लेके आई जो मुझे अभी पहनना है इसमें। तो खाली ऐसे सिंपल ही ला रखे मैंने, तो मैं जल्दी से इनको भी पहन लेती हूँ। बाल तो मैंने बना रखे हैं, खुद मैंने बनाए हैं अपने बाल, तो देख सकते हो आप। और अब मैं जेवरों को पहनती हूँ अपने। और मिस्टर जी आ गई अभी, स्वागतम। कैसी लग रही है मैं, देखो वन मिनट आगे आगे चले हम पीछे पीछे मितवा। और रबड़ में ना, और ये चूड़ियाँ मुझे लेके आए थे मिस्टर जी। और ये पायल है मेरे, शादी में लाई थी मैं, तो टूट गए यहाँ से, शादी में ही टूटे दोनों पायल, टूट गए हैं मेरे, कमर बंद टूट गए हैं, कोई बात नहीं।
तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ इतने लुक में। और शादी के बाद कभी पहना नहीं मैंने ये जेवर और ना ही मैंने लहंगा पहना। मैंने अपने टाइम पास के लिए लहंगा पहन लिया है। पूरा लहंगा दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों मेरा एक बहुत प्यारा सा लुक और मैंने पहनाया अपनी शादी का लहंगा। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है लहंगा पहनना। तो मैं कभी पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता मुझे लहंगा पहनने का। और ये शादी के दिन मेरी मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं थोड़ा इंस्टा पे रील्स बना लेती हूँ। इंस्टा पे भी और मैं कभी मैंने खुद किया है और सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया है। थोड़ा बहुत मुझे आता है मेकअप करना और बाल भी मैंने बनाए हैं अपने, देख सकते हो आप। फ्रेंड्स मैंने रील्स भी बना दी है इंस्टा पे। तो मेरे आईडी का नाम है लता बिस्ट दीपू, जाके फॉलो कीजिए मुझे और वहाँ पर जाके देख लीजिए मेरी रील्स को। हैंसविल है ना तो। हाँ। तो फ्रेंड्स कैसी लग रही हूँ मैं शादी के लुक में। और मैंने यहाँ पे पूरा सामान फैला रखे हैं और मिस्टर जी मुझे डांट रहे हैं यहाँ पे और मेरी वीडियो भी नहीं बना रहे दे रहे। और ये देखिए आपको एक बात बताऊं, मेरे मिस्टर जी ने मेरा पर्दा डाला है उल्टा, देख सकते हो आप। ये देखिए मैंने अभी नहीं देखा, मैंने अभी देखा। और मैं भी अभी देख रही हूँ, जब मैंने देखा कि ये पर्दा तो उल्टा हो रखा है। ये वीडियो का यार जिंदगी में तो है कहाँ से लगा। अभी तो मैं तब से कह रही हूँ कि ये पल्लू क्या हो रहा है मेरे सर पे, क्या हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मिस्टर जी कह रहे इनको कि कान में डाल, तेरे कान में उतने अच्छे छोटे वाले उतने अच्छे नहीं थे, तो मैं कान में डाल रही हूँ। हाथ में डालने के बजाय मिस्टर जी कह रहे कान में। तुम आवाज ऐसे हमें आप बाल छूनी हो तो देखिए मैंने डाल दिए कानों में। तो आप देख सकते हो मिस्टर जी ने कहा डाल डाल डाल, तो मैंने डाल दिए। कैसी लग रही हूँ इन झालरों में, कलीरे हैं ये कलीरे। तो जल्दी से बनाओ ना मैं वीडियो। और अब टाइम भी हो गया है काफ़ी गाय भैंसों के लिए चारा देने का। तो मैं
थोड़ा उतार के, बाहर तो ऐसे नहीं जा सकती मैं, तो बाहर जाके मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तो उसके बाद पहनती हूँ मैं पिछोड़ा और साड़ी। तो मैं करती हूँ आपको थोड़ी देर में, तो जल्दी से मैं उतार लेती हूँ जी उनको। तो ऐसे तो मैं बाहर नहीं जा सकती, और लहंगे में तो ज़्यादा नहीं जा सकती क्योंकि बहुत भारी है मेरा लहंगा, शादी का लहंगा बहुत भारी है। और मिस्टर जी ने किया था ये पसंद, और चूड़े भी मुझे मिस्टर जी लेके आए थे, तो मैं जल्दी से इनको उतार लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पहली बार ग्लोबंद पहन रखा है, और ये हमारी पहाड़ों की पहचान है, ग्लोबंद और नत्थी पहाड़ों की पहचान है। तो देख सकते हो आप, मैंने आज साड़ी पहन रखी है, तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ पूरा वीडियो, और इसके बाद मैं पहनूँगी पिछोड़ा, थोड़ा एक दो रील्स बना लेती हूँ इंस्टा पे, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। और हमने खाना खा लिया है, मिस्टर जी अंदर लेट गए, उनके पैर दर्द हो रहा है आजकल क्योंकि शाम को वो जा रहे हैं वॉलीबॉल खेलने, तो पैर पर चोट लगी हुई है और मुझे तो अभी पता चला, तो पैर दर्द कर रहा है इसलिए वो अंदर लेट गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेले बना लेती हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए मैंने साड़ी पहन रखी है, और अभी नथनी डाली मैंने, अभी छोड़ा निकाल खा लेना है अभी यहाँ पे, तो कुछ छोड़ा पहन रखा है मैंने अभी। तो देखिए तो फ्रेंड्स, मैं आपको पिछोड़ा पहनना सिखाती हूँ, मुझे भी नहीं आता पिछोड़ा पहनना, और मैंने कहा कि रिंग्स बनाने के लिए आके सब पिन लगाई थी, तो ऐसे लगा दी मैंने। तो फ्रेंड्स, मुझे पिछोड़ा पहनना तो नहीं आता है, तो मैंने दिखाती हूँ आपको, यहाँ से तो खाली बना के पता नहीं क्या हो गया, मैंने आ गया यहाँ से डाल दिया मैंने, पता नहीं क्या हो गया, तो बहुत लंबा हो गया है। तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो मैं जाती हूँ चाय बनाती हूँ, शाम के 4 बज चुके हैं, तब से मैं यही ड्रामे चल रहे मेरे। और मैंने सोचा ही कहाँ गया, तो मैं अब चाय बना लेती हूँ, क्योंकि अभी गाय को भी ले जाना है, गाय को बाहर बांधना है मैंने, और भैंस को उधर जाकर स्टैंड में ले जाना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताना आज का व्लॉग कैसा लगा आपको मेरा, और तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।